रात में भी फिरते रहे, तड़के भी इतने ही फिरते होंगे ने। हाँ बलदेव सिंह जी सिरसा आओ जी सर। सर बाबा जी होना इतना टाइम कथे साडे कोल साडे पत्थर किनारे ते बोल रहे हैं मैं तो रूह दे बजन दो कर ले कोई नहीं रूह दे बजन पास ही बोल रहे हैं ना सुजो मूर्ति ने बंदे यार मैंने बोलना जी आए ना करो कोई नहीं दे देंगे बैठ फोन जरूर दे देंगे होना देखो कन्नियां पार्टियां में बहुत ही मान ते सत्कार दे योग स्टेज ते पंडाल दे विच बैठे हुए किसान वीरों नौजवान बच्चों सत्कार योग पहना ते बच्चों सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला सवेर तो लैके हुण तक तुसी स्टेज तो बहुत कुछ सुनिया हर रोज़ सुनते हो। मैं कुछ एक दो बेनतियां ने जिहड़ियां के करनियां जरूरी समझदा हाँ पर मैनू महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ते होर वख वख सूबियां तो खास करके हरियाणा तो ये गल कही जाती है कि इस स्टेज तो कल भी असी पिछे गए सी ते जिहड़े हरियाणे दे साडे भाई बैठे ने वो कहन लगे कि सानू पंजाबी दी घट समझ आउंदी है ते तुसी वध तो वध हिंदी च बुलारियां नू बुलाया करो। जिस करके मैं अपने जिहड़े कुछ मिंट ने वो हिंदी विच तुहाडे नाल अपने विचार सांझे करने चाहुंदा। आज जो के इस संघर्ष को जो एजिटेशन चल रहा है इसको 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और इन 3 महीनों में 225 से ऊपर हमारे किसान भाई शहादत का जाम पी गए। नवरीत से हैं जो कि गोली से शहीद हुआ और बहुत सारे लोग जो के केंद्रीय साजिश केंद्र सरकार ने साजिश घड़ी थी 26 जनवरी को उस दिन में बहुत सारे लोग फट्टड़ भी हुए और नवरीत पुरुष की गोली से शहीद हुआ और कितना कितना जुर्म हो रहा है। ये जो लोग बैठे हैं ये कितने तसीहे जल रहे हैं, ये ठंड के मौसम में कैसे इन्होंने ठंड में अपना ये समय निकाला और आगे गर्मी आने वाली है। मेरे को पत्रकार पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा, मैं क्या भाई आगे तो हम तो बैठे हैं धरने पे बैठे हैं रोज आना हमारी स्टेज चल रही है 24 घंटे अनमिते समय के लिए बैठे हैं। बोला प्राप्त क्या किया, मैं उनको बताना चाहता हूं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमने आज तक क्या प्राप्त किया। वे समझने वाली बात है, क्या आपको इस बात का पता नहीं चलता कि हमने वो प्राप्त किया है जो आज तक देश के हुक्मरान और जो इस देश में जैसे एक मुहावरा था अंग्रेजों के समय फूट डालो और राज करो, उस फूट को दूर किया है और सबसे पहले पंजाब से चलकर जब हरियाणा में प्रवेश किया और हरियाणा के भाइयों ने जैसे हमें हाथ जो हमारे पैर थे उनके पैरों की तलियों के नीचे हाथ रखे और उन्होंने आज भी जो क्विंटलों के हिसाब से दूध और लस्सी आती है कितने प्यार देते हैं। और इसके बाद जो 26 जनवरी को इस सरकार ने षड्यंत्र रचा था उस षड्यंत्र को हमारे हिंदू भाईचारे ने जो सरकार की नीयत और नीति थी
कि इस संघर्ष को फेल करने के लिए 26 जनवरी को जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, तो उनका मानना था कि ये लोग आपस में जाति तौर पे दंगे करेंगे, कत्लोगाल करेंगे और यहां से भाग जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ जख्मी हो जाएंगे, अस्पताल में चले जाएंगे और ये धरना समाप्त हो जाएगा। लेकिन देश के खासकर हिंदू समाज ने, क्योंकि हमारे ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन जिनके जरिए वो हमारे को काटने का, हमारे को कत्ल करने का, हमारे को भगाने का, हमारे को बिना कुछ दिए यहां से भगाने का प्रोग्राम बनाया था, वो फेल हो गया। वो किसने किया? वो हिंदू भाईचारे ने किया। इसलिए ये हमारी प्राप्ति है। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं, नौजवानों से निवेदन करता हूं, जो मेरे नौजवान बच्चे हमारे ऊपर कई तरह के शंके कर रहे हैं, वो कई तरह के सवाल कर रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जो हम चले थे 26 नवंबर को पंजाब से चले थे, वैसे मैं तो बहुत सारे लोग हमारे 25 नवंबर को, जैसे हमने 25 नवंबर को श्री अकाल तख्त साहब पर अरदास करके वहां से चल पड़े थे, लेकिन तारीख 26 जनवरी थी, 26 जनवरी को आए तो हमारा एक ही प्रोग्राम था कि तीनों कृषि कानून रद्द कराने, MSP लागू करानी पूरे भारत में, और कुछ मांगे थी, मेन मांग कानून रद्द करानी थी और बाकी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। जो मेरे भाई, जो मेरे बच्चे हमारे पर कई तरह के सवाल करते हैं, अरे भाई ये देखो कि जो हमने आज तक प्राप्त किया है, उस तरफ देखो जो हमने भाईचारा कायम किया, जो आज पूरे संसार के लोग यहां पर राजस्थान, हरियाणा ने पहल की, हरियाणा ने कहा पंजाब हमारा बड़ा भाई, राजस्थान आया, यूपी आया, मध्य प्रदेश आया, दिल्ली, सब भारत के सभी प्रदेशों के लोग आए और पूरे संसार के लोग आए, सभी धर्मों के लोग आए, उन्होंने क्या कहा? अरे सरदारो, तुमने हमारे को जगा दिया, हम आपको सलूट करते हैं, क्या इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है कि सिखों को ऊपर उठाया जा रहे हैं और जो लोग चाहते थे कि इनका कत्लेआम किया जाए, इनको भगाया जाए, उनके मुंह पर थप्पड़ लगा है। मैं ज्यादा ना कुछ कहता हूं, हरियाणा, राजस्थान, पूरे भारत के हिंदू समाज को, उनको निवेदन करता हूं कि जैसे आपने यह काम किया है, और समय समय की एक बात और कहूंगा, जब हम संयुक्त मोर्चा बनाया तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि भारत और पाकिस्तान 1947 में दो अलग अलग देश बन गए और भारत के सभी सूबों ने अपनी अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए एजिटेशन किए और पंजाब भी अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए समय समय एजिटेशन किए, लेकिन पंजाब के हर एजिटेशन को केंद्र की समय समय की सरकारों और एजेंसियों ने फेल करने के लिए इसको हिंसक रूप दिया। और मैंने जैसे दुष्यंत दवे जी और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, उनसे निवेदन किया करता रहा कि इस बार भी यही काम होगा, आप बचाओ, वो मेरी कही हुई बात 26 जनवरी को इस केंद्रीय सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने सच कर दी।
लेकिन जो मैंने निवेदन किया था अपने हिंदू भाईचारे से, उन्होंने भी मेरी मेरे निवेदन को, मेरी अपील को मानते हुए सरकार को मुंह के ऊपर उनके एक तमाचा मारा। सो मैं यही कहूंगा कि ये हमारी प्राप्तियां हैं, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। अरे गुरु नानक ने, गुरु नानक नाम अब जितनी बार भी अरदास करते हैं, कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। असी सरबत दा भला चाहने वाले हैं। एक कृषि कानून पूरे भारत के किसानों के खिलाफ था, पूरे भारत के लोगों के खिलाफ था, इसलिए हमने ये एक अपना कर्तव्य निभाया और पंजाब से लेके आए और सारा देश आज चल रहा है। पहले हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद और कुछ देखा जाएगा। अरे भाई गुरु नानक के उस मिशन पर चलते हुए, उस नारे को समझते हुए, उस नारे पर पहरा देते हुए आप सोचो विचारो, जेकर हमारे से कोई गलती हुई है तो पंजाब में जेकर आ गए तो भाई पूछ लेना, स्पष्टीकरण देंगे हम आपको, स्पष्टीकरण देंगे। जेकर हमारे से, और नौजवानों से अपील करता हूं कि भाई ये तुम्हारा काम है, आओ संभालो। और स्टेज पर बोलने वालों को मैं ये कहूंगा कि किसी का नाम मत लो यार, 26 को भूल जाओ, अब एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, दुविधा दूर करो और इकट्ठे होके पहले ये तीनों कृषि कानून रद्द कराओ, MSP पूरे भारत में लागू कराने का ये फैसला पहले करवा लो, उसके बाद कुछ और करेंगे। जो कुछ हुआ उसको भूल के जो बड़ा दुश्मन है उससे लड़ाई लड़ो और ये प्राप्ति करो, तभी गुरु नानक पातशाह का जो नारा है उसके हम अन्यायी मन उसके पहरा देने पर हकदार होंगे। नहीं तो गुरु नानक पातशाह का जो नारा है उसका प्रणाम क्या नेगा, हमको गुरु नानक पातशाह क्या कहेंगे। यही मैं कहूंगा कि आओ सब रल के नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, इस पर पहरा दें। इतनी बेनती करता हुआ फतेह जाता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ संगत वालों इस मोर्चे नूं सहायता आई है, राजा सिंह पंच बलराज सिंह पिंड संगतपुरा जिला जगरों तहसील जगरों जिला लुधियाना 1000 रुपया, सुखमिंदर सिंह भुलर 500 रुपए, नछत्र कौर पटियाला 2500 रुपए, आजाद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब 500 रुपए,